बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मारवीज़ किचन पर आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर की जा रही है वो रेसिपी का नाम है जी मसाला चिप्स विद बॉयल एग। बड़ी स्पाइसी किस्म की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं और सीज़न के मुताबिक बड़ी अच्छी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंग्रेडिएंट्स जो है आप देख सकते हैं, मैं जब ऐड करती जाऊँगी डिटेल में आपको सब चीज़ों की क्वान्टिटी बताती जाऊंगी। सबसे पहले जी ये देखिए, आलू लिए हमने तकरीबन हाफ के जी से थोड़े आलू ज़्यादा है हमारे। इस तरह से चिप्स की शक्ल में हमने इनको काट के पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब हमने इनको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। टमाटर है 2 अदद, थोड़े से लहसुन के जवे और इनको हमने इस तरह से पीस लिया है। सब्ज़ मिर्च है 2 से 3 अदद। स्पाइसिस में आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें गर्म मसाला है। 2 अंडे लिए हैं हमने। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जो है वो आप अपनी रेसिपी के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और 5 से 6 लहसुन के जवे थे जिसको छील के हमने इस तरह से कूट लिया था। ये देखें फ्रेश लहसुन है। सबसे पहले लहसुन जो है उसको हम फ्राई करते हैं। लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे मसाला चिप्स का। लहसुन को थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसके कच्चापन जो है वो ख़त्म करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दिया करें। लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जी एक बड़े साइज़ का टमाटर, अगर बड़े साइज़ का है तो आप एक ले लें, अगर छोटे साइज़ के टमाटर हैं आप 2 टमाटर ले लें। इस तरह से हमने टमाटर काट के ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हम भून लेते हैं। टमाटर बहुत जल्दी जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, मैश हो जाते हैं। 1 से 2 मिनट टमाटर जो है इसको हम अब भून के साथ इसमें स्पाइसेस जो है अपने वो ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले जी स्पाइसेस में मैं नमक ऐड करी हूँ, 1 टेबल स्पून नमक। नमक हमेशा आप अकॉर्डिंग जो टेस्ट डाला करें। स्पाइसी चिप्स जो हैं वो बन रहे हैं तो यहाँ पर अब 1 टेबल स्पून बड़ा जो चम्मच है वो मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। अब 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं गर्म मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर लिए हैं। हर घर में अक्सर यही जो है वो प्रॉब्लम होती है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि आज हम क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। तो मोस्टली जो है सर्दियों में भी ये ज़्यादा मसला होता है। उस हिसाब से अच्छी रेसिपी है। अगर कुछ भी हमें समझ नहीं आ रहा तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाना चाहिए। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मसाला हमारा हो चुका है जी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का रेडी हमारे चिप्स के लिए। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च हैं बारीक बारीक कटी हुई, वो इसमें ऐड कर दी हैं। सब्ज़ मिर्च भी हमने अपने मसाले में ऐड कर ली हैं। 1 से 2 मिनट इनको भी भून लेते हैं। चलें जी अब हमारी जो चिप्स हैं, आलू की चिप्स हमने इस तरह से गोल शक्ल में काट कर रखी थी, वो इसमें ऐड कर देते हैं। चिप्स डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसाले में। देखिए जी आलू जो है आप जब इनको छील के काट लें तो अगर पानी में आप डिप करके रख देते हैं जब तक कि आप इनको यूज़ ना कर लें तो कलर जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। आलू का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता। एंड टाइम पर जो है आप इसमें से पानी निकाल के यूज़ कर लिया करें, बिल्कुल फ्रेश कलर रहता है आलू का। चलें जी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है हमने। चलें जी चिप्स हमारी हो चुकी हैं जी मिक्स। अब हम इनको कवर कर देंगे, पानी बिल्कुल नहीं डाला, कवर करेंगे और सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी। ये देखें जी पकना शुरू हो चुका है। स्टीम से हम आलू को गलाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट पर जो है हमने इसको गलाना है। और जो फ्लेम है बिल्कुल हम लो रखेंगे ताकि जो आलू है अपना पानी छोड़े, अपने ही पानी में गल जाए। यहाँ पर जी हम एग जो है वो बॉयल कर लेते हैं। 2 मैंने एग लिए हैं, ज़्यादा नहीं, और इनको हम जल्दी से बॉयल कर लेते हैं जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते।
चलें जी 5 मिनट जो है उसमें हम एग अपने बॉयल कर लेंगे, जब तक कि हमारे आलू गल जाते हैं, आलू की चिप्स हमारी। अगर आप कोई और किसी और शेप से काटना चाहते हैं तो भी आप काट सकते हैं, वैसे ज़्यादा जो है इसी तरह से चिप्स मसाला अच्छा लगेगा। आलू भी एग जो है वो भी हमारे बॉयल हो चुके हैं और आलू हम चेक कर लेते हैं हमारे जो चिप्स हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। ये देखिए स्टीम पर मैंने इसको पकाया है, बिल्कुल पानी इसमें ऐड नहीं किया, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। ये देखिए आलू जी बिल्कुल गल चुका है। चलें जी चिप्स हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। अपने अंडे जो हैं हमने उनको छील लिया है, हमारे अंडे बॉयल हो चुके हैं 5 मिनट में छील के। इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसीस में अंडों को काट लिया था, इस तरह से ऊपर हम डाल देंगे एंड पर। ये देखिए जी कुछ हमने गार्निश के लिए जो है बचा के रख लिए हैं और कुछ जो पीसेस हैं वो इस तरह से मैं ऊपर डाल रही हूँ और इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया फ्रेश फ्रेश कटा हुआ वो इसमें ऐड कर देती हूँ। रेसिपी को हम डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सी मसाला चिप्स की रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलें जी कुछ अंडे जो हैं वो हमने गार्निश के लिए बचा के रखे थे तो वो भी हमने इसके ऊपर प्यारी सी गार्निश कर ली है और सब्ज़ धनिया डाल के देखें कितनी मज़ेदार सी प्लेट लग रही है। उम्मीद है जी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मारविस किचन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।